हेलो एवरीवन, दिस इज प्रथमेश नवाले हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आज हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन एक बात, आपने हेलमेट का अनबॉक्सिंग देखा कि नहीं? नहीं देखा तो ये देखो, और आज का अनबॉक्सिंग स्पेशल है। आज हम अनबॉक्स करने वाले DJI Osmo एक्शन कैमरा। इसका बहुत वेट किया था, फाइनली आ गया है, तो चलो करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स, तो ये कैमरा है, छोटा सा नन्ना सा, और ये इसका केस है। केस ओपन होता है, आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो ऐसे, ध्यान से प्रेस कीजिए, ये ऐसे ओपन होता है, और फिर ये यहाँ से, तो ये छोटा सा केस है, इससे आप कैमरा बाहर निकाल सकते हो। तो ये कैमरा बाहर निकला है, ये चार केस है। यहाँ पे केस में भी दो बटन दिए, यहाँ पे ऑन का और यहाँ पे वीडियो निकालने का। तो ये छोटा सा केस है, और इसके साथ बैटरी भी मिला है, तो आप देख सकते हो ये बैटरी छोटा सा इस केस में है, और ये बैटरी है। तो बैटरी आप यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं है बैटरी का। और यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे आप ना मेमोरी कार्ड रख सकते हो, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड। ओके, इसके साथ ये मिला है क्या, हेलमेट माउंट DJI Osmo का ही मिला है, आप इसको हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं। और एक ये माउंट मिला है, तो ये माउंट, और इसके साथ ये सी टाइप चार्जर, और ये मिला है, तो आप माउंट कर सकते हैं इजीली। मैं आपको बता दूँ इसमें बैटरी कैसे इनपुट करते हैं, तो ये मार्क दिया है यहाँ पे कैसे इनपुट करते हैं। इसको लॉन्ग प्रेस करना है, पुल करके आपकी बैटरी, सॉरी ऐसे आपकी बैटरी इनपुट हो गई, लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपकी बैटरी इनपुट हो गई। और चालू करने के लिए पावर ऑन, तो ये पावर ऑन हो गया और ये चालू हो गया। तो जैसे चालू होते ही आपको ये स्कैनर दिखेगा, तो आप आपके मोबाइल से ये स्कैन कर सकते हो। तो ये इसका स्क्रीन है, तो आप देख सकते हो कैसा फुटेज दे रहा है। ओके, तो वैसे ये देखता है, मैं ये आपका बड़ा लेंस है, आप लेंस भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। मैं इसका लेंस का ये स्क्रीन निकाल रहा हूँ। ओके, और इसका भी, इसका तो रहने दो, बाद में निकालूँगा, पर इसका निकाल दिया क्योंकि व्यू अच्छा दिख रहा है इसके ऐसे। तो ये इसका स्क्रीन है, ओके, वाइड एंगल इतना दे रहा है ये। ओके, यहाँ पे पावर ऑन का बटन दिया है, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट का बटन दिया है, यहाँ पे क्विक स्विच, आप यहाँ पे फटाक से स्विच कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो फटाक से क्विक स्विच हो गया। तो ये क्विक स्विच हो गया। ओके, तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं ये रबर का फिनिश दिया है यहाँ पे। ओके, ये बैटरी का इनपुट है, और ये ड्यूल स्क्रीन दिया है, ये फ्रंट स्क्रीन, ये फ्रंट स्क्रीन, ये बैक स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ क्विक
क्विक स्विच दिया है, तो आप अपने अपने स्क्रीन आगे पीछे देख सकते हो ये बटन प्रेस कर से। और ये लेंस इसका खुलता है, आप इसको जो से घुमाओगे तो ये लेंस खुलता है ऐसे। तो ये GoPro में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ DJI में ही मिलेगा। आप इसके वेबसाइट से किधर से भी जाके लेंस अलग अलग लेंस बाय कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये इसका लेंस निकलता है। ओके, तो मैं इसको फिट कर देता हूँ। जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत मतलब बहुत। तो ये है ऑन ऑफ बटन, इसको प्रेस करेंगे तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये चालू होता है और क्विक्स। और आप इससे जिनके से आपको फ़ोटो लेना है तो आप बोल सकते हो टेक अ फोटो, तो ये ऐसे आपका फ़ोटो लेता है। तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीन चेंज कर सकते हो। तो ये स्क्रीन चेंज हो गई इस तरफ, आप देख सकते हो। तो मैं इसको ऑफिस केस में डालता हूँ, ये रहा इसका केस। तो आप यहाँ से इसको इजीली डाल सकते हो केस, और केस बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया है। इसको लॉन्ग प्रेस करके और ये सेट, तो ये इसका केस रेडी हो गया। ओके, तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये फ़ोटो का चालू है, पे क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो ऑप्शन है, तो आप फ़ोटो यहाँ से ले सकते हो। ओके, इसमें जैसे आपको लेना है फ़ोटो में ऑप्शन है बर्स्ट, फिर टाइमर, फिर AEB, फिर यहाँ पे वीडियो में जाओगे तो आपको वीडियो में आएगा नॉर्मल वीडियो, फिर HDR, स्लो मोशन, फिर लूप रिकॉर्डिंग, और इस तरफ आप देखोगे तो टाइम लैप्स मिलेगा आपको और हाइपर लैप्स मिलेगा। आपको कुछ कस्टम करना हो तो यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हो। तो मैं अभी नॉर्मल में वीडियो में जाऊँगा, तो नॉर्मल वीडियो HDR में जाऊँगा, तो ये इसका HDR है जिसे आप इसका रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। जैसे 180p दिया है, 30fps दिया है, तो आप यहाँ पे आप चेंज करते हो जैसे आपको चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है, 2.7K 4K रिजोल्यूशन दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये है। फिर आप नॉर्मल वीडियो में जाके देख सकते हो, यहाँ पे भी रिजोल्यूशन चेंज होता है, तो नीचे से ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे रॉक स्टडी मोड है, अभी 60fps पे आप रॉक स्टडी मोड यूज़ कर सकते हो, 100 पे नहीं है। तो आप मोस्ट प्रोबली 60 पे यूज़ कर सकते हो, 720 पे नहीं है रॉक स्टडी मोड। तो सब में ही 60-30 पे सेट किया है कि यहाँ पे दिक्कत है, रॉक स्टडी मोड कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छा मोड दिया रॉक स्टडी मोड आपको। मैं बाहर जाके इसका रॉक स्टडी मोड दिखाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन क्या रॉक स्टडी मोड होता है। ओके, तो 30 पे रखते जैसा है वैसे, इसको डाउन करते हैं। आप ऊपर से इसको नीचे करोगे ड्रैग, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेन्यूज मिलेंगे। इस पर जाओगे तो सेव करंट कॉन्फ़िगरेशन, आप लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसमें आप जाओगे, वापस बैक करोगे, यहाँ पे आपको जैसे ब्राइटनेस चाहिए वैसे ही हिसाब से ब्राइटनेस क्लिक ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लॉक करना है स्क्रीन लॉक आप लॉक कर सकते हो, जैसे आपको लॉक करना है ऐसे करोगे तो आप लॉक हो जाएगा स्क्रीन। ये है स्क्रीन लॉक। फिर ये सेटिंग्स है इसका, वॉइस कंट्रोल, स्नैपशॉट, क्विक स्विच, वायरलेस कनेक्शन, विंड नॉइस, बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हो वॉइस कंट्रोल, स्नैपशॉट, क्विक स्विच, वायरलेस कनेक्ट, विंड क्विक स्विच। अच्छा, क्विक स्विच बोलते ही वो स्विच हो रहा है, समझ रहे हो, क्विक स्विच। तो ये क्विक स्विच हो रहा है जैसे आप क्विक स्विच बोलोगे तो ये ऑप्शन अच्छा दिया क्विक स्विच का। हाँ, तो मैं यहाँ पे था। फिर विंड नॉइज़ रिडक्शन, साउंड, फेस
फेस ओरिएंटेड एक्सपोज ग्रिल बहुत सारे यहाँ पे दिए है, तो आप इजीली जा सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन। फिर ये ऑटो रोटेशन, आप इसको रोटेट कर सकते हो जैसे आपको रोटेट करना है वैसे रोटेट कर सकते हो। ओके, फिर ये है दिया है बीच का स्पॉट सेंटर, आप इससे स्पॉट भी कर सकते हो आपको जो बीच में स्पॉट चाहिए रहेगा तो। फिर ये नॉइस का आप यहाँ पे वॉइस कंट्रोल बोल सकते हैं इसको, इससे आप बात कर सकते हो। नॉर्मली इनके सबको कुछ फ़ोटो खींचना है तो आप बात कर सकते हो, जैसे कि टेक अ फोटो तो ये फ़ोटो खींचता है, जैसे आपको चाहिए वैसे फ़ोटो ले लेगा ये। ओके, और ये सारी इमेज है, फुल फ्रंट स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, बैक कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे जो भी है आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इनके सबको अपने कुछ फ़ोटोज़ लिए हो या वीडियोस निकाले हो तो आप ऐसे सिर्फ स्लाइड करो, आपको आपके फ़ोटोज़ वीडियोस सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी कार्ड कैसे इंसर्ट करते हैं इसमें। तो आपको पहले इसका केस ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेस करो तो ये इसका केस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे इसका केस ओपन होगा उसको मैं इसका स्क्रीन निकालता हूँ। वाओ, अच्छा लग रहा है ये स्क्रीन निकालने के बाद। तो आप इसको पुश करना पीछे से और बाहर निकालिए, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो वैसे मेमोरी कार्ड, वैसे तो मैं आपको इजी वे ने बता रहा हूँ। यहाँ पे पुश कीजिए नीचे और यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 10 सीरीज़ का ही मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए, तो ये मेमोरी कार्ड है ये इजीली निकल जाता है। ठीक है, मैं 128 GB का लिया हूँ मेमोरी कार्ड। ओके, और आप चार्जिंग पॉइंट भी यहीं पे है। ओके, और आप माइक भी यहीं से ही कनेक्ट कर सकते हो, तो ये चार्जिंग पॉइंट है, ये माइक का पॉइंट है, आप यहीं से ही माइक और चार्जिंग पॉइंट दोनों कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और बैटरी का तो मैंने आपको बताया ही है कैसे ओपन करना है, ये सब क्लिक बैटरी बाहर इजीली आ सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ये कलर दिखेगा ऑरेंज कलर, तो मतलब बैटरी टाइटली फिट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जब तक ऑरेंज कलर दिखता नहीं तब तक ये बैटरी समझ लो फिट नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इसका। अब मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, 4K 30 FPS पे, आपको ये 4K में दिख रहा है एप्पल। अभी हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया चालू 2.7K 30 FPS पे वाइड एंगल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया और ये रिकॉर्डिंग चालू। तो आप आपके मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हो इसको बहुत इजीली, अच्छा करता है। वाइड एंगल देता है सबसे अच्छा। तो अभी तो ऑफिस को जा रहा हूँ इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। एक अच्छा चीज़ है, कनेक्ट होता है मोबाइल से और आप आपके जो वीडियो शूट कर रहे हैं खुद देख भी सकते हो, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा देख के।
हाँ, तो मैं आपको बताइए इसको आप मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो कैमरा को। तो जैसे आपने, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया था तभी QR कोड आया था, तो QR कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्कैन करते हो QR कोड, तो ये DJI Mimo करके ऐप है, आप अपने आईफोन में या एंड्रॉयड में कर सकते हो। तो मैंने आईफोन में किया है, तो DJI Mimo करके ऐप है, तो ये डाउनलोड हो जाता है। और जैसे ही डाउनलोड होता है आपको आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा इसको वाईफाई ऑन करके। तो आप जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हो तो ऊपर पॉपअप आता है कनेक्ट, तो आप कनेक्ट पे क्लिक कर देना और ये DJI Mimo वॉन्ट टू जॉइन वाईफाई नेटवर्क, उससे ज्वाइन कर देना। जैसे ही ये ज्वाइन होता है तो आपका ये कैमरा कनेक्ट हो जाता है इससे। तो यहाँ पे आया है सर्चिंग, तो आप देख सकते हो ये कैमरा मूव हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है कैमरा। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कैमरा को, ठीक है। तो आप यहाँ से नीचे आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला मैं गया लाइव स्ट्रीमिंग पे। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप आपके फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे तरह के ऐप को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फिर वीडियो ले सकते हो, फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हो। अब टेक अ फ़ोटो बोल के आप फ़ोटो ले सकते हो यहाँ पे। फिर HDR वीडियो, जो भी है फंक्शन, जो कैमरा में फंक्शन है वो सारे फंक्शन ये मोबाइल में आते हैं, ओके। अभी इनके सबको कुछ डाउनलोड करना हो इसमें, तो यहाँ पे आपको प्ले बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी, आपने यहाँ पे फोटोज़, वीडियो जो भी लिए है, स्क्रीन रोटेट करता हो जैसे, जो भी लिए है आप पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो मैंने लिया है और इसको मेरे को डाउनलोड करना है, ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये फ़ोटो मेरे को डाउनलोड करना, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा और ये फ़ोटो मेरे गैलरी में डाउनलोड हो गया। तो इजी टू यूज़ है, इजी टू कनेक्ट भी है। फटाफट आपके मोबाइल में आप अपने फ़ोटोज़ फटाफट डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये कैमरा के बारे में मैं और शूट करूँगा आपको, और इसका अच्छा खासा रिव्यू दूँगा। तो इतना आपने देखा है और आगे वीडियोस आएंगे कैमरे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप नए हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।